हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। ग्रीटिंग्स फॉर डे गाइज, दिस इज निलेश हियर वंस अगेन। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं जा रहा हूँ कूर्ग। अपने जैसे डिस्क्रिप्शन पे पढ़ा ही होगा, कूर्ग बैंगलोर से कूर्ग अबाउट 300 किलोमीटर्स है। हमें लगेंगे कुछ 4 या 5 घंटे। तो ठीक है, 4 या 5 घंटे, इट्स नॉट दैट बैड। तो मडिकेरी वहाँ पे एक प्लेस है कूर्ग एरिया में, कूर्ग डिस्ट्रिक्ट में मडिकेरी प्लेस है। तो हम मडिकेरी पहले जाएंगे, लेकिन मडिकेरी करने से पहले ऑन द वे कुशल नगर है। कुशल नगर से हम कोई प्लेस है, दो तीन प्लेसेस हम आपको दिखाएंगे, डोंट वरी। मैं जा रहा हूँ बाय स्विफ्ट, मैं हूँ, मेरी फैमिली है, हम सब जा रहे हैं। और रोड ट्रिप आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा है रोड भी यहाँ से। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अराउंड और यहाँ से कुछ 56 किलोमीटर्स है मडिकेरी। ठीक है, मैं आपको और भी अपडेट करते रहूंगा। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, ऑन द वे टू मडिकेरी हमारा पहला स्टॉप होगा हरंगी डैम, जो कि कुछ 235 किलोमीटर है बेंगलोर से। और मडिकेरी यहाँ से और 35 किलोमीटर है। तो ऑन द वे टू मडिकेरी हम और भी प्लेसेस करेंगे एक्सप्लोर। ये पहला स्टॉप होगा हमारा डैम। पता नहीं अभी पानी छोड़ा है कि नहीं, लेकिन हम डैम भी एक्सप्लोर कर लेंगे। आपको मैं कुछ डैम दिखा देता हूँ। ये गार्डन है यहाँ पे, और वो नीचे डैम है दैट साइड। हम नीचे से जाते हैं, वो लोग वहाँ पे है। लेट्स गो। अच्छा है, प्लेजेंट है यहाँ पे क्लाइमेट। आज बारिश नहीं है, धूप भी नहीं है, क्लाइमेट बहुत ही अच्छा है, ब्यूटीफुल। और देख लीजिए, वाओ, व्हाट अ प्लेस। वेरी नाइस, डैम तो आपने देख ही लिया। अभी मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे गार्डन्स भी है। ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है आज के दिन, शायद वीकडेज है इसीलिए, क्योंकि आज वेनसडे है। इट्स 10:45 इन द मॉर्निंग, और शायद मॉर्निंग टाइम पे कोई आता भी नहीं होगा ज़्यादा, इसीलिए आज ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, ज़्यादा क्राउड नहीं है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हो, डैम है पूरा। और वहाँ से मैं आया, हम लोग वहाँ पे थे, वहाँ पे एंट्रेंस है दैट साइड। अभी हम जा रहे हैं थोड़ा और नज़दीक डैम के डोर के नज़दीक, देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हो 4 बड़े बड़े डोर्स हैं, और ये साइड में गार्डन है, दैट साइड गार्डन। ये पूरा गार्डन का इलाका है, इस पूरा का पूरा गार्डन है, अच्छे से मेंटेन किया हुआ है सब कुछ।
बहुत अच्छे से। मैं आपको डोर थोड़ा और नज़दीक से दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे गेट लगा हुआ है तो इसके आगे हम नहीं जा सकते। वाओ, ये चार बड़े बड़े गेट हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्लेस में तो इतना ही था। अगर और भी कुछ होगा यहाँ पे तो मैं आपको और भी दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि इतना बहुत है देखने के लिए। अभी हम भी जाएंगे आगे और कोई एक प्लेस विजिट करेंगे। डैम तो वैसे और भी देखे हैं, लेकिन ये डैम कुछ अलग था। डैम के बाजू में गार्डन था। ठीक है गाइस, रोड ट्रिप एंजॉय करिए। हरंगी डैम से 7 से 8 किलोमीटर दूर हम आ चुके हैं टेंपल, गोल्डन टेंपल, जो कि नैमड्रोलिंग निंगमा पा टीचिंग सेंटर से भी जाना जाता है, जो कि टिबेटियन बुद्धिस्ट लोगों का टीचिंग सेंटर है। वन ऑफ दी बिगेस्ट टीचिंग सेंटर इन द वर्ल्ड ऐसे कहा जाता है। मैंने भी अभी भी गूगल किया इसके बारे में, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो कि एक गेट है। ये पूरा गोल्ड है गाइस, इसीलिए यहाँ इसे गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है। ये पूरा का पूरा गोल्ड है। सॉरी गाइस, टेम्पल इज टेम्पररी क्लोज फॉर द रिनोवेशन पर्पस। आई डोंट नो, शायद मेरा लक ही खराब है, मैं अंदर नहीं जा सका, बट मे बी नेक्स्ट टाइम। तब तक आसपास का एरिया भी देख लीजिएगा। ये डोर भी क्लोज है तो शायद यहाँ से भी हमें एंट्री नहीं है, लेकिन आगे भी छोटा टेम्पल है। सॉरी, फोटोग्राफी वॉज नॉट अलाउड देयर, तो मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाया। यहाँ से बैटरी लेने के बाद हम निकल पड़े अगले प्लेस पे। मुझे पता नहीं कौन सा प्लेस है, लेकिन मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। मुझे शायद निसर्ग धामा होगा हमारा अगला प्लेस जहाँ पे हम विजिट करेंगे। वहाँ पे क्या क्या और धमाकेदार होने वाला, मैं आपको अपडेट करते रहूँगा। ठीक है, फिर वहीं पर मिलते हैं। बाय बाय।